लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को इटावा क्षेत्र में दौरे पर रहे। इस दौरान गत दिनों आई बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई आपदा व नुकसान का उन्होंने जायजा लिया और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा सुनी और मदद का हर संभव भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस आपदा में आप लोगों के दुख दर्द में आपके साथ खड़ा हूँ और जो भी मदद सरकार से होगी उसको दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आपदा में लोगों पर जो विपदा आई है उसका हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। किसानों के खेतों की पूरी फसलें तबाह हो गई, उस नुकसान का भी किसानों को क्लेम मिले इसके लिए भी निर्देश दिए हैं। लोकसभा स्पीकर बिरला दिन में 12:30 बजे करीब कोटा से हेलीकॉप्टर से इटावा पहुंचे और वहां पर उन्होंने पीपलदा तहसील का हवाई सर्वे किया। इसके बाद इटावा, रजोपा, बोरदा, सम्मानपुरा, हतौली, केशवपुरा, तलाव, खातौली, जटवाड़ी, रामपुरिया, धाबाई, आसीदा सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान स्पीकर बिरला से लोग अपनी पीड़ा व दुख बताते नजर आए।